हेलो बोलो। हेलो, अभी ये जो आप लोगों ने क्लिप देखा था ना, ये हम लोग गए थे बाहर ना, तो ये सीएनजी लेने चले गए थे ना गाड़ी में। तो गाड़ी सीएनजी लो तो गाड़ी खाली करके लेना पड़ता है ना, तो वही सब हम लोग उतर गए थे। और तो नंबर लगी थी ना दो तीन गाड़ियों के, तो हमने थोड़ा सा वीडियो क्लिप कर लिया, क्योंकि ना रास्ते में कहीं आज घर से बैठे बाहर निकले और ज़्यादा कहीं मोबाइल नहीं निकला पर्स से। और बिट्टू ज़्यादा जब ठीक रहती है ना, इसकी स्वस्थ रहती है तो अच्छा मन करता है वीडियो वीडियो अपलोड करने का। उसकी ऐसे एकदम मायूस थी ना, तो मन ही नहीं किया। तो वहाँ पे थोड़ा सा ना देख के ऐसे लाइट वगैरह जल रही थी तो इसको अच्छा लग रहा था, तो मैंने क्लिप कर लिया। और अभी आ गई हूँ मैं घर, मुझे बनाना है गेहूँ, ये अगले दिन का वीडियो है। तो गेहूँ बनाना था ना, तो वही मैंने सोचा कि आज मैं यही वीडियो भेज देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियो तो अपलोड नहीं कर पाऊँगी। यहाँ काम इतना ज़्यादा रहता है ना कि जो सोचो कुछ और होता, कुछ और है कुछ ना कुछ काम। कभी अगर हम लोग अगर कभी सोच लेना चलो दो मिनट आराम कर लें, तो आराम कर लूँगी, लेकिन काम को साइड में रख के ही करना पड़ता है, क्योंकि काम ऐसा होता है ना कि कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता है। वही मैं आप लोगों से बातें भी करती कर रही थी, और थोड़ा सा वॉइस ओवर भी कर दिया। हमने कहा कि ना लाओ, क्यों देखिए ना, काफ़ी टीवी चलाई थी अंदर ना, कार्टून दिखता तेज़ आवाज़ था, किसकी आवाज़ इसमें आ रही थी, तो मैंने थोड़ा सा वॉइस ओवर कर दिया। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, सोची हूँ कुछ चटपटा बना दूँ, तो वही आलू और मटर काट के रखी हूँ। इसमें ना इसको जीरे का तड़का लगा दो, और इसमें लहसुन हरा लहसुन और मिर्चा और वो धनिया, खूब ढेर सारा धनिया पीस के डाल दो ना, तो इतना अच्छा मतलब चाट जैसा ही बनता है। हमको लगता है नहीं, लगभग प्रतापगढ़ का ना कुल घर का यही शाम का इवनिंग का नाश्ता होता है, बहुत बनता है डेली, मतलब एक दो दिन नहीं तो शाम को यही नाश्ता। नया नया आलू हो जाता है खेत का ना, तो बन जाता है। और ये अभी मैं घी बना के रखी थी, तो मैंने सोचा कि लाइए आप लोगों को दिखा दें, तो वो मैं दिखा रही थी। और उतना घी उस शीशी को खाली कर दूंगी ना, गर्म पानी साफ करके ना, तो उसमें रखूंगी, क्योंकि वो वही वाली कांच की डिब्बी है और वो प्लास्टिक में रख दूँ ना तो महक आ जाती है। और जो मार्केट का घी होता है ना, पतंजलि का लाते हैं, तो पतंजलि वाला ना पूड़ी पराठा वगैरह यूज़ करते हैं, और दाल वगैरह में खाना होता है ना रोटी में लगा के या फिर दाल ओल में, तो ऐसे घर का जो मैं निकालती हूँ मलाई से ना, ये वाला घी ज़्यादा टेस्टी लगता है मार्केट वालों से। मार्केट की जो पेचा घी होती है तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है। कोई नहीं लगी तो मैं भी साफ़ कर दूँगी, तो वही मैं कह रही हूँ। और आज ही आए नहीं, इनके स्कूल में कोई फंक्शन था, इनके स्कूल में नहीं था, इनके फ्रेंड के स्कूल में था, तो शायद उन लोगों ने इनवाइट किया था, तो आज एक ग्रुप से निकल जाएंगे ये लोग, ग्रुप से निकलने मतलब ग्रुप वाले सब लोग जाएंगे। तो अभी ये घर आए थे, गाड़ी खड़ी बाइक खड़ी कर दी और गाड़ी लेके गए हैं, तो देखती हूँ कब तक आ जाते हैं, वेट कर रही हूँ कि आ जाएँ तो बनाऊं। और दिन भर इतनी भागम भाग रहती है ना कि समय निकालना इतना मुश्किल हो जाता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। वही मैं आप लोगों से बातें कर रही थी, और बगल में रख दी हूँ चाय, चटपटा और चाय बनाऊंगी। पहले इनको फ़ोन करूंगी कि देखें ये निकल लिए हैं, अगर वो वहाँ से निकल जाए ना, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर के एबम में गए हैं, तो 30 किलोमीटर मतलब आधा घंटा थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा आने में। तो मैं सोच रही थी फ़ोन करके पता कर लूँ, अगर वहाँ से वो निकलेंगे ना तो मैं तड़का लगा दूँगी, और आधा घंटा स्लो करके रख देती हूँ गैस पे ना, तो धीरे धीरे आराम से बनता है। और वाकई कभी बना के ऐसे देखिए, जीरे से तड़का लगा के ना, तो आलू मटर की क्या हुआ जो चाट होता है ना, एकदम चटपटा जैसा होता है, और चाय के साथ ना मज़ा आ जाता है तीखा तीखा खाने में। तो आप लोग भी बनाया कीजिएगा और बताइएगा कैसा लग रहा है। मैं किसी दिन ना इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। और अभी आ गई है मेरे पास सोना, तो सोना नहाई है बहुत दिनों बाद, तो आज इनको इनर नहीं पहनाया है, बहुत तेज़ धूप निकला था ना, तो आज मैं फ्रॉक पहना के ऐसे बाल शैम्पू के लग रहा है ना, बाल में कुछ आता भी नहीं है, और नहाने के बाद कंघी कर देते हैं कुछ देर बाद ऐसे हो जाती हैं। इनके बाल में अगर रिबन वगैरह कुछ लगाओ भी ना, तो ये निकाल के तुरंत फेंक देंगी। इनसे बोल रहे हैं ना कि इनको ला के मुंडा करा दो, तो ये सुन नहीं रहे हैं,
ये ऐसे पड़े, कह रहे रुक जाओ धूप होने दो धूप होने दो। एक्चुअली क्या है ना कि ये बहुत गिरती रहती है, तो ये सोचते हैं ना कि ये बाल है तो थोड़ा सा चोट कम लगता है, अगर टकली हो जाएगी ना तो इसको जाना चोट हो जाएगी, चोट लग जाएगा। और पता है इसकी नोजी देख लीजिए, जुकाम हुआ है, नोजी लग गई ना, ऐसे इसकी नोजी बहती चली जा रही है, बहती चली जा रही है।